नमस्ते। आज हम और एक मजेदार एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेविटी डिफाइंग वाटर, यानी गुरुत्वाकर्षण का पालन ना करने वाला पानी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या-क्या चीजों की आवश्यकता है। तो हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड और एक जार जिसमें थोड़ा पानी भरा हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप, प्लेस द कार्डबोर्ड ऑन द जार एंड इन्वर्ट इट, यानी कार्डबोर्ड को जार पे रखिए और जार को पलट दीजिए। अब अगला स्टेप, रिमूव द हैंड फ्रॉम बिलो, यानी नीचे से हाथ निकाल दीजिए। क्यों चौंक गए ना? तो क्या आपको पता है पानी क्यों नहीं गिरा? इसका उत्तर हम बाद में देंगे। तो एक्सपेरिमेंट का मजेदार हिस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन तीसरा हिस्सा भी काफी जरूरी है, वरना आप पूरे फर्श को गीला कर देंगे। तो प्लेस द हैंड बैक अगेन एंड स्लोली इन्वर्ट द जार, यानी हाथ वापस रख दीजिए और धीरे से जार को पलट दीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पानी क्यों नहीं गिरा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एटमोस्फियरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दबाव। तो इसे समझने के पहले आप इस चित्र को देखिए। यहां ये इंसान एक बक्सा उठा रहा है और आप देख सकते हैं कि इस पर एक दबाव लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमने कुछ वजन रखा है, इसीलिए इस पर एक दबाव लग रहा है। अब आपको पता होगा कि धरती के चारों ओर एक वायुमंडल मौजूद है, जिसे हम अंग्रेजी में एटमोस्फियर कहते हैं। तो आप सोचिए कि आप धरती पे यहां पे खड़े हैं और आपके ऊपर इतना बड़ा वायुमंडल है, तो इसका आप पे दबाव लग रहा होगा, और इस दबाव को हम अंग्रेजी में एटमोस्फियरिक प्रेशर और हिंदी में वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, और इसे PATM से दर्शाते हैं। और धरती की सतह के पास इसकी वैल्यू या इसका परिमाण एक नियतांक, यानी एक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और याद कीजिए कि प्रेशर को हम पास्कल्स में नापते हैं। अब हमें समझना होगा प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी दबाव और घनफल के बीच का संबंध। तो यहां स्क्रीन पर आपको एक गुब्बारा दिख रहा है। अगर हम गुब्बारे को दोनों साइड से दबाएं, तो हम गुब्बारे पे बल लगा रहे हैं, और इस बल की वजह से गुब्बारे के अंदर जो हवा है उसका दबाव बढ़ रहा है, और दबाव बढ़ने के साथ हम देख रहे हैं कि वो हवा का घनफल कम हो जाता है। तो इससे हमें दबाव और घनफल के बीच एक संबंध पता चलता है कि अगर घनफल कम होता है तो दबाव बढ़ रहा है, और अगर घनफल बढ़ रहा है तो दबाव कम होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम इस एक्सपेरिमेंट में जार को कार्डबोर्ड से ढकते हैं, तो हवा के कुछ अणु यहाँ पे कैद हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि ये अणु का वॉल्यूम अभी V1 है और इनका प्रेशर तो पी एटमोस्फियर है, यानी इन अणुओं का और बाहरी हवा का प्रेशर अभी समान है। अब जब हम इस जार को पलटते हैं, तो यहां पे जो पानी है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे खींचा जाता है, और पानी के नीचे खींचे जाने की वजह से कार्डबोर्ड पर दबाव लगता है, और इसीलिए कार्डबोर्ड थोड़ा नीचे की ओर मुड़ जाता है। यानी जार के नीचे जो कार्डबोर्ड जो पहले सपाट था, वो अभी थोड़ा गोलीय हो जाता है। ये काफी कम मुड़ता है, इसीलिए हमें दिखता नहीं, लेकिन कार्डबोर्ड के मुड़ने की वजह से यहाँ पे जो हवा के अणु थे उनके लिए अब ज्यादा वॉल्यूम उपलब्ध है, इसीलिए उनका वॉल्यूम V1 से बदल के अभी V2 हो जाता है। और क्योंकि वॉल्यूम बदल गया, प्रेशर भी बदल जाएगा, और इसीलिए मान लो कि अभी इसका प्रेशर है P2। अब क्योंकि वॉल्यूम V2 V1 से अधिक है,
तो प्रेशर P2 P एटमोस्फियर से कम होगा, पहले प्रेशर था P एटमोस्फियर, तो अभी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है तो P2 P एटमोस्फियर से कम होगा, और अभी भी बाहरी प्रेशर P एटमोस्फियर ही है। तो अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। तो यहां पे अंदर जो प्रेशर है P2, उसकी वजह से एक बल लग रहा है, और पानी के वजन की वजह से एक बल लग रहा है। लेकिन क्योंकि बाहर का प्रेशर काफी ज्यादा है, वो इन दोनों बलों को बैलेंस कर देता है और इसीलिए पानी गिरता नहीं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये जो कार्डबोर्ड है वो बीच में से क्यों मुड़ता है, किनारों पे क्यों नहीं मुड़ता? तो इसका जवाब ये है कि पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो पानी को किनारों पे पकड़ के रखता है, और इसीलिए पानी किनारों से निकलता नहीं और कार्डबोर्ड किनारों पे नहीं मुड़ता। याद कीजिए कि हमने सरफेस टेंशन के बारे में पिछले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, जहां हमने पानी की सतह पे साबुन का असर देखा। तो इस एक्सपेरिमेंट में मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। हम आपसे मिलेंगे एक नए एक्सपेरिमेंट में। धन्यवाद।